जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम सुमो, आप देख रहे हो YouTube चैनल ब्रूडल सुमो। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं समस्त रहोगे, हंसी खुशी जी रहोगे। तो गाइस मैं आ गया आपके लिए और मस्त गेम प्ले वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग सबसे पहले उतरे हैं भाई ओशियन पैलेस के अंदर। और भाई ओशियन पैलेस के अंदर उतरते साथ फाइट हम लोग की चालू हो जाती है, पर इस वीडियो में एक ऐसी चीज होती है जिससे मेरा दिल बहुत ज्यादा ही टूट जाता है। मेरे टीममेट, मेरे दोस्त, मेरे 7 साल पुराने दोस्त की ड्राइविंग की वजह से मेरे मैच की बैंड बज जाती है भाई। ऐसी उसने इतनी अच्छी गाड़ी चलाई कि सीधा बंदों ने नॉक फिनिश कर दिया यार, पूरा लगता है उसकी वजह से भाई। तो वो सब सीन आपको थोड़े आगे जाके देखने मिलेंगे, पर तब तक के लिए वीडियो आप लोग अभी से एंजॉय कर लो, क्योंकि भाई आपको मजे देने की गारंटी मेरी जो है बस वीडियो दिखा के दूंगा और कुछ करके नहीं दूंगा, समझ जाओ इतनी बात अपने दिमाग में डाल लो। अब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे फाइट ले रहे होते हैं, बस सामने एक बंदा होता है जिसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया होता है। अब मैं यहाँ फ्री फायर देता हूँ भाई, बंदे को जो टन टन बजा भाई, मजाक सुन के दिल को एक सुकून मिल गया भाई। ऐसा हेलमेट में आवाज़ सुन के ना जो हेड लगते भाई, टन 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 भाई, मजा आता है। अब क्या होता है, ये बंदे को देखो, बंदा नॉक होकर सीधा भाग जाता है। अब भाई यहाँ पे वो बंदे को तो मैं फिनिश नहीं कर पाता हूँ। अब क्या होता है, यहाँ नीचे देख सको, एक बंदे ने मेरे टीममेट की पेटी डाल दी। अब भाई नीचे आके मैं देखता हूँ, एक बंदा नहीं था, ये थे दो बंदे। अब भाई सोने पे सोगा, मुझे लगा ये इनका टीममेट है, पर नहीं भाई, ये बंदा होता है अपोनेंट, इसने आके मेरा किल चुरा लिया। वो अलग भाई, वो अलग दुख गया मुझे। अब क्या होता है, सामने टावर के पास एक बंदा होता है जिसको मैं स्पॉट कर रहा होता हूँ। अब भाई ये बंदे को मारने की बहुत कोशिश की मैंने, पर बंदा मर के नहीं देता है। फिर यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक बंदे को नॉक करता हूँ जो मेरे टीममेट की पेटी बना के जस्ट उसको लूटने ही जाने वाला होता है। अब तब तक भाई मैं यहाँ पे नीचे गिरता हूँ, क्योंकि मुझे फुट आया था कि ये बंदा तैर रहा है। अब भाई मैं जैसे ही ऊपर जाता हूँ, बंदे ने फिर मेरे एक टीममेट की पेटी डाल दी, पर इस बार भी मैं थोड़ा सा लेट हो जाता अपने टीममेट को बचाने में, जिसके चक्कर में मेरी टीममेट की तो पेटी बन गई, पर मैंने बंदे को मार के अपने टीममेट का बदला भी ले लिया। फिर हम लोग उतरते हैं भाई अपार्टमेंट के पास। अब भाई स्कूल अपार्टमेंट, भाई अपार्टमेंट के पास वाले रिकॉल टावर टू बी एग्जैक्ट। अब भाई यहाँ पे इस बंदे को देख सकते हो भाई, बंदा पहले तो करना आता है मेरे पे मॉली, फिर भाई मेरा टीममेट हो जाता है नॉक नीचे जाके। अब भाई ऐसी सिचुएशन में बंदों ने ऊपर भी मॉली कर दी। अब भाई मेरा टीममेट के पीछे आग लगी हुई है, बेचारा इधर उधर भाग रहा है, और फिर ये बंदा हम लोग पे रश अलग कर रहे होते हैं। पर वो तो अच्छा है मेरे जैसे प्रो इंसान का कि एक स्प्रे में दो बंदों को नॉक कर दिया, फिर नीचे जाके खुद भले ही नॉक हो जाता पर मेरा टीममेट तब तक भाई नीचे जाता है। एक किल तो मुझे ब्लीड आउट होकर मिल जाता है, दूसरा किल मुझे मेरा टीममेट जाके दिला देता है। पर फिर तब तक यहाँ पे और बंदे आ चुके थे जो ये छत पे होता है जिसको मैं स्पॉट करने वाला होता हूँ, पर तब तक ये बंदे साले पता नहीं कहाँ से आ गए, मेरे पीछे गोली मार देते हैं और फिर मैं मर जाता हूँ। उसके बाद हम लोग दोबारा आ जाते हैं ओशियन पैलेस में, और भाई यहाँ पे उड़ते हुए देख सकते हो कितने बंदे तैर रहे हैं। लिटरली अभी तक 3 दिखे, एक बंदे को किल चुराता हूँ, यहाँ पे और एक बंदा उड़ रहा होता है। मैं थोड़ा आगे आता हूँ, अब बस ऊपर देखते रहो, इस बंदे को नॉक करता हूँ सबसे पहले तो मैं, पर ये बंदे का किल मुझे लास्ट तक नहीं मिलता है। बंदा जाके या तो रिवाइव हो जाता है या किसी और को अपना किल देता है, मुझे नहीं पता चलता है भाई। अब भाई यहाँ किल के लिए तो मैं तरस गया भाई, देख सकते हो पूरी एक गेम खाली कर दी भाई, इतना ऊपर मार के फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे रिकॉल टावर के पास, रिकॉल टावर के पास हम लोग आते हैं, क्योंकि भाई देखो रिकॉल टावर के पास बॉट भी आते हैं, बंदे भी आते हैं, तो यहाँ केडी बढ़ाना ईजी होता है, आपके पास कवर भी होता है। अब भाई हम लोग यहाँ फिर थोड़ा सा नाटक कर रहे होते हैं कि भाई ऊपर लेट के थोड़ा मजाक मस्ती कर रहे हैं, पर तब तक कुछ बंदे आ जाते हैं स्टिंगरे लेके। अब क्या होता है, यहाँ पे मैं किल फीड बढ़ता हूँ, बंदा खुद ही को नेट से फोड़ देता है, तो उसका मैं फ़ायदा उठा के सीधा जाता हूँ बंदे पे, पहले तो बंदे का किल चोरी करता हूँ। अब इसका एक और टीममेट होता है जिसपे होती है ग्रोजा, बंदे को नॉक करता हूँ, बंदे को फिनिश डालता हूँ, ग्रोजा मेरा टीममेट उठा लेता है। तब तक पीछे से फायर आता है तो मैं थोड़ा सा अंदर आ जाता हूँ। अब अपने टीममेट को यहाँ पे मैं रिवाइव कर रहा हूँ, तब तक और दो बंदे आ गए स्टिंगरे से, जिनमें से एक बंदे को तो मेरा टीममेट लपेट देता है इतना डैमेज देने के बाद मेरे, पर इस बंदे का जो टीममेट होता है उसको मैं नहीं छोड़ने वाला भाई, उस पर मैं सीधा घुस के रश करता हूँ। ये बंदा पीछे भाग रहा था, पक्का इसके टीममेट पे ने प्रेशर दिया होगा, भाई निकल जा, रिकॉल कर दे, जिसके चक्कर में ये बेचारा नॉक हो जाता है। पर तब तक मेरे टीममेट को यहाँ पे ये बंदा दूर से थोड़ा सा नॉक कर देता है, तो मैं अपने टीममेट को यहाँ रिवाइव देने आता हूँ। अब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत पेटी वेटी लूट के यहाँ से P90 उठाता हूँ बंदे की, और मेरा टीममेट तब तक एक ओपनिंग निकाल चुका होता है इन बंदों पे, तो पहले तो मैं उसका किल कंफर्म करवा देता हूँ, और भाई मेरे एक टीममेट की यहाँ सीधा पेटी वे बन जाती है। देख सकते हो सामने बंदे, और ये वही बंदे जो सबसे पहले नेट से यहाँ फूटा था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये फाइट चल रही है, बंदा के फिर मरते हैं और मुझे सामने एक बंदा लेटते हुए दिखता है, पर असल में ये बॉट होता है जिसकी वजह से मैं इस बॉट को तो कुछ नहीं कर सकता। फिर भाई देख सकते हो हम लोग आते हैं जॉर्जो पोल की तरफ, और भाई मेरे टीममेट की ड्राइविंग देख लो भाई, लिटरली उसने गाड़ी ऐसी ठोकी, दोनों खुद तो पत्थर के पीछे छुप गए। मैं यहाँ पे तड़पता हुआ कि भाई इधर से उधर कैसे भी बच जाऊँ, पर मैं बच नहीं पाता। लास्ट में भाई बंदों ने सीधा मेरी पेटी डाल दी,
और भाई उसके बाद ऐसा नहीं यहाँ पे मैटर खत्म हो जाता है, ना ना ना, फिर हम लोग आते हैं दूसरा मैच में। अब क्या तो सामने से मिलती है एक मिराडो। अब भाई ये मिराडो वाले कहीं तो जा रहे थे, मतलब एक ही बंदा था ये रिकॉल टावर पे जा रहा था अपने टीममेट्स को रिकॉल करने, तो भाई हम लोग ने गाड़ी ही इसके पीछे लगा दी, भाई नहीं तेरे को तो नहीं छोड़ेंगे। अब मेरे को लगा ये बंदा वही है, पर असल में ये एक बॉट था। अब इस बॉट को नॉक करके हम लोग यहाँ पे सीधे पहले तो बॉट का फिनिश कंफर्म करते हैं। अब भाई रिकॉल टावर पे आ चुके होते हैं इसके पूरी स्क्वाड, क्योंकि भाई बंदे ने कर दिया खतरनाक वाला रिकॉल अपने टीममेट को, चार बंदे यहीं पे थे। अब क्या था, मेरा टीममेट एक नेट निकाल के नॉक, ये एक नेट फोड़ के एक ओपनिंग निकाल देता है, तो भाई उससे हम लोग निकलने मतलब हम लोग सीधा रश कर रहे होते हैं। अब भाई मेरा टीममेट यहाँ पे नेट मॉली सब कर रहे होते हैं बंदों पे। अब भाई मैंने सोचा जब नॉक निकल ही चुका तो घुस ही जाते हैं, पर तब तक बाहर एक बंदा मेरे टीममेट से फाइट ले रहा था, तो मैं इधर से जाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे एक गोली चलाता हूँ, बंदे को लग जाता है, किल चोरी हो जाता है यहाँ पे, मतलब मैं अपने टीममेट का किल चुरा लेता हूँ। और तब तक मैं ऊपर जाता हूँ, मेरे रैंडम टीममेट ने भाई मजाक से पूरी स्क्वाड खा गई इनकी, एक बंदा मुझे मिल जाता है भली। फिर हम लोग थोड़ा सा इधर आते हैं। अब यहाँ पे एक बॉट मारने के बाद हम लोग यहाँ से शांति से निकल रहे होते हैं, पर तब तक एक आती है कूप की आवाज़। अब भाई स्कूप की आवाज़ आने के बाद हम लोग सीधा स्कूप को चेज करते हैं। अब भाई देख सकते हो बंदे के पीछे हम लोग पड़ चुके हैं हाथ मुंह धो के, भाई तीन लोग यहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं, और भाई लास्ट में बंदे को यहाँ पे फिनिश ही होना पड़ता है, बच के नहीं भाग पाते बेचारा, क्योंकि भाई AKM का हेड लग गया ना उसको, AKM का हेड से बचना उसके लिए नहीं नामुमकिन है। अगर आपकी किस्मत अच्छी, अगर किस्मत खराब है तो भाई चार हेड मार लो, बंदा नहीं मरने वाला। फिर हम लोग आते हैं इधर। अब भाई ये जो ये नई लैम्बोर्गिनी का शोरूम है, तो इसके पास आते हैं। भाई यहाँ पीछे एक बंदा होता है जो मेरे को घंटा नहीं पता चल रहा होता है कहाँ असल में, मेरे टीममेट उससे फाइट ले रहे हो, तो मैं फ्रंट साइड ये देख रहा था, क्योंकि भाई पीछे का तो मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा कि बंदे कहाँ है। अब देख सकते हो यहाँ पे हम लोग रश कर रहे थे, क्योंकि ये बंदे यहीं पे आके रिवाइव खेल रहे थे। अब भाई इस बंदे को इतना लो किया, पता नहीं ये नहीं मारा, पर इसने M4 का हेड मार के मुझे नॉक जरूर कर दिया। अब तब तक हमारे टीममेट्स ने इसको फिनिश कर दिया। फिर हम लोग जोन से जैसे ही निकलते हैं, भाई बहुत कस के डैमेज पड़ रहा था, हम लोग दूसरे स्क्वाड में आके फंस जाते हैं। और दूसरे स्क्वाड के चक्कर में भाई यहाँ पे मेरा टीममेट ऊपर, तो एक नॉक निकाल, मैं सोचता हूँ एक ही बंदा बचा है, मैं ऊपर गया, मैं गलती से इस बंदे को फिनिश करने लग गया, उस वाले बंदे को छोड़ दिया, और तब तक ये मेरे टीममेट्स ने ऊपर ही आग लगा दी है। अब भाई मेरे टीममेट की खुद की मॉली की वजह से थोड़ा मेरे को डैमेज पड़ गया, और भाई मैं नीचे आके फिर सीधा मर ही जाता हूँ। फिर हम लोग अगला मैच चालू करते हैं। अब भाई उतरते साथ मैंने यहाँ पे पहले तो दो किल चुराए, क्योंकि किल चोरी करना बहुत ज़रूरी बात होती है। अब भाई यहाँ उतर के रिकॉल टावर पे आता हूँ अपने टीममेट्स को रिवाइव करने, मतलब रिकॉल करने। भाई खड़े खड़े मुझे एक बॉट मिल जाता है, फिर यहाँ से रिकॉल करके भाई सीधा थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं, पर तब तक यहाँ पे मेरे को और एक बॉट मिल जाता है। मजाक छोटे बॉट बहुत मिलते हैं इस जगह पे, आपको बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो, अगर आप लोग मर गए तो इस रिकॉल टावर पर जो लिटरली 3 से 4 बॉट यहाँ मिल जाएंगे आपको। पर भाई सिर्फ बॉट नहीं, यहाँ पे कभी कभी ऐसे असली बंदे भी आ जाते हैं बगी लेके आप पे रश करने। अब क्या होता है ये बंदे आए, अब भाई मैं यहाँ थोड़ा सा एंगल बैठा रहा था, पर तभी तक हमारा टीममेट हो जाता है नीचे जाके नॉक। अब भाई मैं अंदर जाता हूँ, ये बंदा मेरे टीममेट पे रश कर रहा था, पर इसने फुट नहीं सुना कि मैं आ चुका हूँ इस साइड से, जो मैं इसको सीधा नॉक करता हूँ, फिर नॉक करके सीधा फिनिश डालता हूँ। अब फिनिश डालने के बाद नीचे एक बॉट मार लेता हूँ, क्योंकि देखो KD भी मेंटेन हो जा रही, सब हो जा रही, तो दिक्कत क्या आ रहा है भाई, कुछ दिक्कत नहीं, आराम से KD मेंटेन करो। पर अगर आप चाहते हो आपकी भी KD मेंटेन हो, तो भाई वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे वीडियो को बहुत आगे पहुंचा सकता है, और आपका एक सब्सक्राइब हमारा जो फिलहाल का सब्सक्राइब गोल है 150 सब्सक्राइबर, उसको पूरा करने में अचीव कर सकता है। अगर आप नहीं करते तो आपके साथ यही चीज़ होगा जो अभी जस्ट मेरे साथ हो रही है, क्योंकि भाई आप लोग खिड़की में अटक के मर जाओगे, बहुत बुरा श्राप दे रहा हूँ, अगर आपको ये श्राप नहीं चाहिए तो भाई बच के रह लो भाई, सीधा मेरे को, मैं नहीं सुन रहा भाई, कर देना लाइक और सब्सक्राइब। अब कहता है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ बंदे ढूंढने, पर तब तक एक बंदा स्टिंगर है लेके मेरे टीममेट के ऊपर चला जाता है, तो पहले तो उस बंदे को नॉक करता हूँ, और उसको नॉक करने के बाद मैं सीधा अपने टीममेट के पास जा रहा हूँ, पर तब तक मेरे ऊपर एक स्टिंगर आ जाती है, और ये बंदों ने भाई मजाक सट के जो मुझे उछाल उछाल के मारा है भाई, बस आप देखते रहो, इन्होंने स्टिंगर के बबल से मेरे को बहुत परेशान किया। अब देख सकते हो इन्होंने एक ने बबल मारा, दूसरा नीचे उतरता है, तो जो नीचे उतरता है उसकी तो सबसे पहले मैं पेटी डालता हूँ कि भाई मैं तो नहीं छोड़ रहा तुझे। अब भाई उस बंदे को नॉक फिनिश डालने के बाद इसका टीममेट भले ही मुझे नॉक फिनिश डाल देते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिर से इस जगह पे। अब कहते हैं ऊपर बस देख सकते हो दो बंदे आपस में लड़ रहे थे, और लास्ट में दोनों का किल मैं उठा लेता हूँ, और फिर हम लोग एक चिकन डिनर की तरफ बढ़ रहे थे। और जो इसमें रैंडम दिख रहे हैं नंबर 1-2, भाई मजाक करके झूठ नहीं बोल रहा, बंदों ने 7 चिकन पूरे मार लिए, बंदों को बस जाके इस मैच में लिटरली इस मैच में ट्रायल बिगिन करना था, भाई शुरू करना था, भाई बंदों ने वो तक नहीं किया, बंदे इतने नूब थे इस मामले में। पर फिर मैं क्या ही बोलूँ, बंदों ने भाई इनकी वजह से हमें, हमने सोचा हमें फ्री में ये टाइटल मिल जाएगा,
हमें भी नहीं मिला, हो सके इनके लिए आम बात हो, तो इन्होंने इग्नोर कर दिया। पर छोड़ो भाई, फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे सीधा मेंशन के पास। अब भाई मेंशन के पास आने के बाद यहाँ होती है फाइट, वो भी भयंकर। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बंदे होते हैं, तो जिनमें से एक नॉक में निकाल दो तो भले ही एक एचपी था, उसके बाद एक और बंदे को मैं यहाँ स्पॉट करता हूँ। अब इसको नॉक करने के बाद हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, और भाई फिर लास्ट जोन की तरफ। भाई यहाँ पे बीजेएमआई का एक ऐसा ग्लिच देखना जो आपने कभी नहीं देखा होगा, मजाक सट के। भाई चिकन डिनर निकालने के बाद मेरी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है यहाँ पे आगे, बस आप देखते रहो, आपको पता चल जाएगा। अब क्या था, सामने दो बंदे होते हैं, दोनों को मारते हो एम ट्रांसफर करके, और यहाँ मेरी स्क्रीन निकल जाती है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, सी यू सायो नारा जय श्री राम। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। भाई मजाक से एडिट नहीं था, सच में ये ग्लिच था गेम का। तो जल्दी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।